दोस्तों, आप तमाम सभी साथियों को डॉक्टर दुआ का हार्दिक अभिनंदन। एटीवी अहरा आपका है, समाज का है, मानवतावादी का है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, फॉरवर्ड करें और शेयर का बटन जरूर दबाएं, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं और ये वीडियो और ये एटीवी अहरा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि लोग इसे सब्सक्राइब करें और लोगों को कहें कि यूट्यूब पे जाकर एटीवी अहरा विजिट करें और सब्सक्राइब करें। हम आपके बीच में प्रतिदिन करीब करीब 10 मिनट के लिए आते हैं, कुछ बातें होती है मानवता की, कुछ बातें होती है राजनीतिक और सामाजिक की। आज इसी संदर्भ में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज जो समाज जो विकृतियां हैं, आज जो समाज टूट रहा है, आज जो हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, आज हम जो गरीबी, अशिक्षा और असुरक्षा में जी रहे हैं, इन सब का कारण है कि हमारे बीच में चोर पे मोर है। हर कोई चोरी कर रहा है और चोरों के ऊपर जो है डाकू है और डाकू के ऊपर भी सरदार है। इस तरह से जहां बाबा मुल्ला मौलवी जनता को ठगकर उसे अंधभक्ति में डुबोकर सरदार के नाम पर जो व्यापार करते हैं, उसका हिस्सा ब्यूरोक्रेट्स, सिक्योरिटी और नेता लोग खा रहे हैं। नेता जो भ्रष्ट है, करप्ट है, वो इसलिए है कि हमारे देश के ब्यूरोक्रेट्स करप्ट हो चुका है। वो अपने डंडा चलाता है और उस पे डंडा नेता लोगों का चलता है। सिक्योरिटी अपने तरीके से भ्रष्टाचार करती है, चंदा उगाही करती है और न्यायपालिका अपने तरीके से लोगों को लूट रही है। हर जगह लूट का व्यापार है, हर जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है। ऐसे हालत में चोर का मोर कहना उचित है, क्योंकि हर एक दूसरे पर हावी है। चारों तरफ देखें, चाहे आप किसी भी एंगल से देखें, अगर लूटा जा रहा है, अगर बर्बाद हो रहा है, तो वो है भोली भाली जनता। जनता बेचारी हर बार कई प्रकार से लूटी जाती है, उन्हें जो है लॉलीपॉप दिया जाता है, मार्केटिंग होता है और हर बार जनता बहकावे में, जनता विश्वास में, जनता आस्था में, जनता जो है ये सोच कर करके कि ये मेरा भाई है, ये मेरा बहन है, ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये हमारे साथ गलत नहीं कर सकते, और तो और दोस्त बन करके पीठ पे छुरा भोंकने के लिए लोग जो है एक नहीं, सैकड़ों नहीं, आपके हर आसपास में फैले हुए हैं। इन तमाम से बचने के लिए इसका सही इलाज क्या हो, इसकी सही दवा क्या हो, उसके लिए हमें राष्ट्रभक्ति पैदा करना होगा, हमें मानवता के राह पे चलना होगा, अंधभक्ति से बाहर आना होगा। जो हम आंख बंद करके विश्वास करते हैं, उसे हमें तोड़ना होगा, उसे हमें परखना होगा और सही तरीके से लोकतंत्र को जोगतंत्र से बचाना होगा।
जो लोकतंत्र पे नाम पे जनप्रतिनिधि बनने के नाम पर सेवा और सेवादार बनने के नाम पर जो हमारे बीच में नफरत फैलाते हैं, हमारे बीच में आपसी टकराव कर करके अपना रोटी सेकते हैं, उन्हें पहचान कर उन्हें दंडित करना होगा। चाहे आप वोट से दंडित करें, चाहे उसे समाज से बहिष्कार करें, किसी भी तरह से आज जरूरत आन पड़ी है कि जितने भी गंदे नेता हैं, चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में, मेरा तो मानना है कि 12 के करीब, एक दर्जन के करीब ये जो गैंगस्टर पार्टियां बन गई हैं, जो चंदा और धंधा, डोनेशन और इलेक्ट्रो बोर्ड से फंडिंग, बड़े बड़े व्यापारियों, मुल्लाओं, पंडितों, मठों, बाबाओं से पैसा इकट्ठा करते हैं, और ये जो असामाजिकता का राज फैला रखा है, इन्हें हमें सजा देने की आवश्यकता आन पड़ी है। इन तमाम लोगों को हराने, बहिष्कार करने और इन्हें दंडित करने का समय आ गया है। आइए, जनाक्रोश दिल में है, इसे बाहर लाइए। जन क्रांति जरूरी है, और वो इसलिए भी जरूरी है कि हमारे नौनिहाल बच्चे, जो सीधे साधे भोले भाले देश के करंधार होते हैं, देश का सही दशा दिशा होते हैं, देश के वो रीढ़ होते हैं, वो भी भटक जाते हैं, भ्रष्टाचार सीख जाते हैं, बेईमानी सीख जाते हैं, चोरी चकारी डकैती करना सीख जाते हैं, झूठ बोलना सीख जाते हैं, और वो समाज के अंदर जहर फैलाते रहते हैं। इन जहर को काटने के लिए अमृत लोगों को पिलाना होगा। हमें अहरा नेशनल पार्टी, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन का एक विंग, जो पॉलिटिकल विंग है, अहरा नेशनल पार्टी, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स नेशनल पार्टी ANP, जो अपना चुनाव चिन्ह लिफाफा, चिट्ठी आई है, मैसेज आया है नया सवेरा लाने के लिए, आपको संदेशा लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी कश्य कटक तक जिन जिन राज्यों में विधानसभा का चुनाव होगा, वहां अहरा नेशनल पार्टी ANP आपके बीच में मानवीय मूल्यों को लेकर, जात पात ऊंच नीच से ऊपर उठकर, राजनीतिक के अंदर जो हमारे क्षेत्रीय समस्याएं हैं, हमारे जो सामाजिक समस्या हैं, हमारा देश की समस्या है, हमारा परिवार की समस्या है, हमारा अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, उसका हल, उसका समाधान बड़े अच्छे तरीके से निकालने के लिए, आर्थिक आज़ादी दिलाने के लिए, सामाजिक भागीदारी और हिस्सेदारी दिलाने के लिए, हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा पुख्ता हो, हमारा देश उन्नत और समृद्ध हो, इन तमाम चीज़ों को सोचकर अहरा नेशनल पार्टी जो 2009 में बनी थी, कई बातें सोचकर हम लोग आगे नहीं बढ़े, लेकिन अब जरूरत आन पड़ी है कि तमाम जो कुकरमुत्ते टाइप की पार्टियां हैं, जो स्वार्थी हैं, जो लालची हैं, जो लोभी हैं, जो जयचंद हैं, जो दलाल हैं, जो देश को बेच रहे हैं, संविधान को बेच रहे हैं, और उसको पर वो शासन कर करके अपनी रोटी सेक रहे हैं, ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए अहरा नेशनल पार्टी ANP आपके बीच में आ रहा है। आइए, हम सब मिलकर अपने देश को बचाना है, अपने देश को सोने की देश बनाना है, सोने की चिड़िया बनाना है। हमारे तमाम बच्चे जो भविष्य के कर्मदार हैं, उन्हें सही दशा दिशा देना है, और इसके लिए अहरा नेशनल पार्टी के साथ जुड़ना है। हमने बार बार हर वीडियो में कहा,
कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, ताकि हम एक दूसरे को जान सकें। हमने हर वीडियो में अपना पता लिखाया, जो बहुत सारी पार्टियां अपना पता नहीं देती, सरकार और विपक्ष भी अपना पता नहीं देती, फोन नंबर नहीं देती। मैं आपको देता हूं, मेरा पता है U137 नियर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 4 गली नंबर 3 सकरपुर दिल्ली 92। और व्हाट्सएप नंबर भी नोट करें 9313125531 और दूसरा नंबर है 9213493068 और तीसरा नंबर है 9910636345। हमारे ईमेल है ahra@gmail.com और ahradua1@gmail.com। आप aihra.org.in वेबसाइट में जा सकते हैं, np.org.in आप वेबसाइट पे भी विजिट कर करके जान सकते हैं। सभी सोशल मीडिया पर MU Dua, डॉक्टर MU Dua, AIHRA अहरा, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन को देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं और उसे टैग कर सकते हैं और उसे सब्सक्राइब करें, उसे आगे भेजें। आप सब YouTube पर जाकर अहरा ATV अहरा को विजिट करें, उसे सब्सक्राइब करें, उसे ज़्यादा से ज़्यादा भारत ही नहीं विश्व के अंदर फैलाएं। अभी ये शुरुआत है, हमें इसे एक मंजिल तक पहुंचना है, एक मंजिल तक पहुंचाना है और इसके लिए हम सबको लामबद्ध होकर करके आगे बढ़ना है। बस आज इतना ही, फिर मिलेंगे। जो समस्याएं देश के अंदर है, उन समस्याओं से हम जूझ रहे हैं, हमारे बच्चे भविष्य के लिए जूझ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन होता है, क्या नोटिफिकेशन होता है नीट डॉक्टर के बच्चों के लिए और बाकी एग्जाम के लिए और बाकी जो हमारे बाबाओं और मुल्लाओं के और देश के अंदर मॉब लिंचिंग और आपसी हिंदू मुस्लिम की लड़ाई को करा कर करके ये जो रोटी सेकना है सेकते हैं, इनसे हमें बाहर कैसे निकलना है, कैसे बचना है, कैसे सामाजिक सौहार्द बनाना है, ये सब हमारी जिम्मेदारी बन गई है। हम सब मानवता के आधार पर इसे सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। आइए हम सब मिलकर आगे बढ़ें। बस आज इतना ही, फिर कल मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।